दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सूर्या के तूफानी प्रदर्शन से खून के आंसू रोने लगा पूरा श्रीलंकाई खेमा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ निर्णायक मुकाबले में सूर्या ने आग उगलती हुई बल्लेबाजी से अपनी शतकीय पारी खेली। साथ ही साथ सूर्या ने अपने तूफानी प्रदर्शन से श्रीलंका की टीम को अंधेरे में डाल दिया और एक ऐसा कारनामा कर इतिहास रच दिया जिसको आज तक रोहित शर्मा से लेकर डिविलियर्स तक नहीं रच पाए। तो आखिरकार सूर्या ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़कर विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन T20 बल्लेबाज है? अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेलने के लिए भारतीय टीम उतरी। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम बिना बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जहां पर भारतीय टीम को पहला झटका 2 रन के स्कोर पर लगता है। पहले ही ओवर में गेंदबाजी करते हुए मधुशरा ने ईशान किशन को 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद विकेटकीपर धनंजय के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने अपना दूसरा ही मुकाबला खेल रहे राहुल त्रिपाठी मैदान पर आए, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया और इस बीच दूसरा ओवर मैदान चला गया। इस बीच राहुल त्रिपाठी ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 220 का था। दरअसल त्रिपाठी पावर प्ले के अंतिम ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद तीसरी गेंद पर चौका लगाने के चक्कर में मधुशंका के हाथों कैच आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के उपकप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाना शुरू कर दिया। इस बीच 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद और भी ज्यादा वो खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जहां पर दोनों के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली। इसी बीच भारतीय टीम को तीसरा झटका 15वें ओवर में 163 के स्कोर पर लगता है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को 36 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 46 रन बनाने के बाद वानिंदु हसरंगा ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी बीच शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 128 का था। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, लेकिन इसी बीच लगातार 2 विकेट भारतीय टीम के गिर गए, जहां पर कप्तान हार्दिक पांड्या 16वें ओवर में रजीठा की गेंद पर 4 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद धनंजय डे सिल्वा के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा मैदान पर आए और हुड्डा भी आज ज्यादा देर तक पारी को संभाल नहीं पाए, जहां पर हुड्डा ने चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी बीच अपना विकेट भी दूसरी ही गेंद पर महेश के हाथों 2 गेंदों में 4 रन बनाने के बाद वानिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए, जहां पर इसी बीच 19वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर अपना T20 करियर का तीसरा शतक पूरा कर दिया और सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा से पीछे दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर सभी को हैरान कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर के अंदर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 228 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल ने 9 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 21 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों पर 112 रनों की नाबाद पारी खेली और इस दौरान सूर्या ने 220 के स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 9 छक्के लगाए थे। तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से मधुशरा ने 2 और वानिंदु हसरंगा के साथ महेश ने 1-1 विकेट हासिल किया। तो वहीं 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही श्रीलंकाई टीम मैदान पर उतरी, तो श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए निशंका और कुशल मेंडिस मैदान पर आते हैं। तो वहीं गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए और पांड्या ने आते ही पहली गेंद पर बल्लेबाज को परेशान कर दिया और आउट भी किया, जिसके बाद बल्लेबाज ने DRS लेकर फैसले को
नॉट आउट में तब्दील करवा दिया। तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी की, जहां पर पहले ओवर में एक चौके के साथ 4 रन आ गए। तो वहीं दूसरे ओवर में पिछले मुकाबले की हार के जिम्मेदार अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर में 2 चौके की मदद से 11 रन दे दिए, जिसके बाद अगले ओवर में फिर से गेंदबाजी करने हार्दिक पांड्या आए। कप्तान हार्दिक पांड्या को कुशल मेंडिस ने 2 लंबे छक्के जड़ते हुए 14 रन बटोरे। तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक एक करके सभी गेंदबाजों को गेंद थमा दी, लेकिन किसी ने भी विकेट नहीं दिलाया। ऐसे में 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने अक्षर पटेल को बुलाया, जहां पर अक्षर पटेल ने पहले चौका खाया, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए बल्लेबाज कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। जी हां दोस्तों, कुशल मेंडिस 15 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 24 रन बनाने के बाद अक्षर पटेल की गेंद पर मलिक के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद लंबे समय के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ी अविष्का फर्नांडो मैदान पर आते हैं। तो वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए अर्शदीप सिंह को गेंद कप्तान ने थमाई, जहां पर अर्शदीप सिंह पिछले मैच को भुलाते हुए इस मैच में निशंका को 17 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद शिवम के हाथों कैच आउट करा दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने धनंजय आते हैं। और इसी के साथ पावर प्ले में श्रीलंका की टीम ने 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। और इसी तरीके से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत कर सीरीज अपने नाम किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।